अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार गुड़दा। तो आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक कप मैंने धनिया लिया है, खड़े गर्म मसालों में मैंने दो तेज पत्ता लिया है, दो दालचीनी, तीन हरी इलायची, चार से पांच लौंग, चार से पांच काली मिर्च, दो बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, एक कप दही, दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 150 ग्राम के मसाला मैंने दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच कसूरी मेथी ली है, इसमें कसूरी मेथी ऐड करने से इसमें टेस्ट बहुत है। मैंने दो ग्लास इसमें पानी ऐड किया है, पानी को गर्म होने दिया है। अब हम इसमें गुड़दा ऐड करेंगे, आधा चम्मच में नमक ऐड करूंगी, इसे हम हल्का बॉईल कर लेंगे, बॉईल करने से निकल जाएगी, हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। मैं एक दूसरा पैन यूज़ कर रही हूँ, अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, दो चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे, हल्के से फ्राई हो चुके हैं, हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। हमें गोल्डन फ्राई करना है, आइए इसे चेक करते हैं। ये अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसे निकाल के रख लिया है। प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक अदरक लहसुन अच्छे से भून ना जाए। अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, ऐसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं इसमें एक चम्मच जितना पानी ऐड करूंगी ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुका है, मसाला भी अच्छे से भून चुका है, साइड से तेल भी फूट रहा है। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच पानी डाल के सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे मसाले जो जले ना। मैं अब इसमें एक कप दही भी ऐड करूंगी, थोड़ी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला है वो और अच्छी तरह से भून जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और सामने तेल भी नजर आ रहा होगा। अब हम इसमें गुड़दा ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें कोथमीर ऐड करूंगी, अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए स्लो पे छोड़ दूंगी
10 मिनट हो चुके हैं, आइए हम उनसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स होके भून चुका है और सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। हम इसे और अच्छे से ड्राई कर लेंगे। मैं इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी ऐड करूँगी, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं इसे हाई फ्लेम पे ऐसे ही चलाते हुए ड्राई कर लूँगी। मैंने इसे लगभग 3 मिनट ऐसे ही चलाते हुए इसका सारा पानी सुखा दिया है। अब मैं इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी, बस मुझे इतना ही थिक चाहिए। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी।